परिणा स्कूल के संचालक सुनील लंबा जी यहाँ पर पधार चुके हैं, तो उनका माला अर्पण करके और समर्थ चिन्ह भेंट करके स्वागत किया जाएगा। तो सुनील लंबा जी कॉमेंट्री बॉक्स में आए और उनके साथ मनोज तिवारी जी भी आए, उनका मालार्पण और समर्थ चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। सुनील लंबा जी का मालार्पण स्वागत करेंगे मगन सिंह और मनोज तिवारी का मालार्पण और स्वागत करेंगे कुलदीप सिंह। टॉस विन भाई खेड़ी सोनीपत और कौन नागरवास, कोई भी डिसीजन में आता है किसी की टीम में लगता है, कोई बात पर लगता है तो उसका डिसीजन 15 का भी छोटा ही मैच है, ठीक है। पंजाब भाई कोई भी डिसीजन है, ये नहीं कि कचपचा दोनों बराबर की टीम है हो हल्ला, मतलब एक टाइम आउट लेके कर सकते हो ना, टेक्निकल खेलना सिर्फ अनुशासन में खेलना। सुनील लंबा जी का स्वागत करेंगे मदन सिंह। लाइनमैन भेजिए, लाइनमैन कौन है भैया, लाइनमैन कौन है? लाइनमैन सिकंदर और महेंद्र सिंह, सिकंदर और महेंद्र सिंह जहाँ कहे जल्दी से जल्दी लाइनमैन की भूमिका में नजर आए भाई, दोनों लाइन में तैयार हैं। गगड़वा सुर से खेड़ा सोनीपत, स्कोरर दोनों टीमों के बीच अंपायर, मुकाबला खेला जाएगा फर्स्ट राउंड का। लागड़वास की पहली रेड, काफी अच्छे का खाता खुलता हुआ लागड़वास का स्कोर एक खेड़ी से निपट। लागड़वास को इन दो पॉइंटों से स्कोर उभरता हुआ लागड़वास का टीम, काफी मजबूत टीम है लागड़वास की। एक पॉइंट और मिलता है सोनीपत को, खाता खुलता हुआ खेड़ी सोनीपत का। लागड़वास के चार प्लेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलते हैं, अपने जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं चूरू का। काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, काफी अच्छा कोर्ट में। स्कोर हो गया है गागड़ोस 3 खेड़ा सोनीपत 1। काफी अच्छे रेडर हैं, काफी अच्छे लगातार टॉटच का प्रयास। एक मिनट मिलता है यहाँ पर गागड़वास को, गागड़वास का स्कोर बढ़ता हुआ 4। काफी अच्छी रेटिंग, बैक किक का प्रयास नाकामयाब। अच्छी रेड, अच्छा मैच है दोनों टीमों की तरफ से। सोनीपत ने अपनी शुरुआत थोड़ी धीमी की है, दो डाई रेड गगड़वास की तरफ से। दो डाई नहीं है भाई, टाइम आउट एंट्री कर रहे हो, थर्ड रेड की
ने मत लिख लिया करो यार बराबर का मैच ही है और वो देख ले मतलब एक रजिस्टर में काउंट कर लिया कल कौन थर्ड है ठीक है ना थर्ड फिगर आउट अगली आवेगी अगली लिख रहा कि वो नहीं बोल रहा हेलो रेड अगेन रजिस्टर लेके काउंट कर रहा है एक ही थोड़ी देर में रखा एक आदमी अब से काउंटिंग होगी डू डाई रेड अवे कर धारक हो गए ये पहले बोल दिया था नाइन मैच का धारक हो गए वन डाई रेड अबे जी बैक का पेश है अबे एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर खेड़ी सोनीपत को खेड़ी सोनीपत का स्कोर बढ़ता हुआ दो सोनीपत का रेट डालता हुआ एक पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर खेड़ी सोनीपत को खेड़ी सोनीपत का स्कोर बढ़ता हुआ तीन नागरवास चार दोनों ही टीमें रेडिंग पर ज्यादा विश्वास दे रही हैं बॉन्स ऑन है नागरवास के लिए काफी अच्छा देखी कपे है यहाँ पर कामयाब नहीं हुई है एडवांस टैकल की कोशिश यहाँ पर और टैकल हो गई हेड राइट इस एक पॉइंट के साथ गागड़वास और खेड़ी सोनीपत का स्कोर लेवल चार चार स्कोर लेवल है अभी भाई दोनों टीमों का बहुत शानदार टीम है दोनों ही काफी अच्छी रेटिंग दोनों टीमों की अपनी टीम के लिए रेडिंग की जिम्मेदारी पूरी तरह कंधों पर है केडी सोनीपत के लिए मनप्रीत सिंह काफी अच्छी रेडिंग करते हैं टीम एक मिनट एक मिनट एक मिनट वन पॉइंट गगड़वास रेड थ्रू एक पॉइंट साहब गगड़वास का स्कोर बढ़ता हुआ पांच गोरे के साथ खेले भाई सोनीपत का इस एक पॉइंट के साथ सोनीपत फिर से बराबर ऊपर सोनीपत का स्कोर बढ़ता हुआ छह गागड़वास पांच भाई मैच है सोनीपत की टीम धीरे धीरे वापसी कर रही है सुपर टिकलोन जब तीन या तीन से कम खिलाड़ी ग्राउंड पर लोगों जाता है खिलाड़ी को टैकल किया जाता है दो पॉइंट मिलते हैं राजगढ़ के पास अच्छा टोटल का प्रयास यहाँ पर अच्छा रेड को विलीड किया आराम के साथ फिर से कोर्ट में
एंट्री वन पॉइंट डू एंड डायरेक्ट नगरवास के लिए सोनीपत को खेल भावना इस मैच में वन पॉइंट गागड़वास इस एक पॉइंट के साथ गागड़वास का स्कोर होता है अच्छा सोनीपत 11 लाइनमैन कितनी सुस्त दिखा रहे हैं ए भाई दो कॉर्नर आज यहां पर भी आ मैच चल रहा है नई बॉल नहीं आया भाई काफी अच्छी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन सही तेजवीर सिंह गेंदवार के समर्थन में डोकवा में पहली बार कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है काफी अच्छी रेडिंग है इधर एक मिनट और मिलेगा अग्रवास को इससे अगला मैच है गणाऊ वेसेज बरासर तो दोनों टीम कैप्टन से बाद अपने अपने खिलाड़ियों को वार्म अप करा दें बोनस पॉइंट खेड़ी सोनीपत के लिए इस एक पॉइंट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 काफी अच्छी छलांग लगाकर पार किया था पिछले रेड में बहुत शानदार मैच चला दोनों टीमों काफी धीरे धीरे मैच चलता हुआ अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच काफी अच्छी रेडिंग यहाँ पर काफी अच्छी रेडिंग पांच के डिफेंस में खेल रहे हैं खेड़ी सोनीपत के खिलाड़ी प्रयास बोनस में माहिर हैं खेड़ी सोनीपत के खिलाड़ी काफी प्रयास लेकिन कामयाब मिलेगी एक पॉइंट मिलेगा खेड़ी सोनीपत को डू बाई रेड डू बाई रेड डू बाई रेड इसमें कह दो पॉइंट लेना होगा या पॉइंट देना होगा काफी अच्छा की कोशिश दो पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर गागड़वास को दो पॉइंट मिलेंगे गागड़वास को काफी अच्छा की कोशिश की थी इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा खेड़ी सोनीपत को इन दो पॉइंटों के साथ गागड़वास का स्कोर बढ़ता हुआ 9 एक पॉइंट और मिलेगा खेड़ी सोनीपत को एक इस पॉइंट के साथ सोनीपत का स्कोर बढ़ता हुआ
14 गगड़वा 9 खेड़ू 14 काफी अच्छी यहाँ पर अच्छी खेल भावना कश्यप अच्छा मूवमेंट स्कोर हो गया 9 गगड़वा 14 खेड़ी सोनीपत काफी अच्छा बराबरी का मैच चल रहा है रेडिंग चार रेड पॉइंट इनके नाम है सोनीपत के लिए गोन सोन है प्रयास कामयाब नहीं हुए प्रयास लेकिन कामयाबी डिडाइरेड अभी डिडाइरेड फिर से डिडाइरेड का प्रयास के लिए एक मैन एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा बहस नहीं की जाए एक पॉइंट मिलेगा गगड़वा को स्कोर बढ़ता हुआ एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर सोनीपत को सोनीपत का स्कोर बढ़ता हुआ 15 गगड़वा 10 सोनीपत 15 काफी अच्छे रेट रहे हैं इससे अगला मैच होगा ब्रासर वर्सेस गनाऊ अगले 15 मिनट के बाद में ब्रासर वर्सेस गनाऊ का मैच होगा दोनों टीम का तुमसे अनुरोध है अपने अपने खिलाड़ियों को तैयार रखें भाई आज सायकाल में गुड्डा बोर्ड भी होगी गुड्डा बोर्ड होगी उसमें पिचपन या पिचपन से एक वर्ष के लिए बुजुर्ग भाग ले सकते हैं विजेता को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा गुलदस्ता का सेवी सर्दी के बावजूद भी दर्शक लाइन तैयार टाइमर तैयार सपोर्टर तैयार फिर से रेड आप टाइम के बाद का खेल चलता हुआ 10 पॉइंट का गगड़वा 16 पॉइंट खेड़ा सोनीपत
अग्रवास की ओर है, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, काफी अच्छी यहाँ पर प्रयास किया गया टाइम में होते हुए अंटक का प्रयास, लेकिन गेम को स्लो किया दोनों ही टीमों ने। दोनों टीमें आराम के साथ इस मैच को अंतिम क्षणों तक ले जाना चाहती हैं। गागड़वास के खिलाड़ी, एक अंक मिलेगा सोनीपत को, सोनीपत का स्कोर बढ़ता हुआ 17। एक अंक और मिलेगा सोनीपत को, सोनीपत का स्कोर बढ़ता हुआ 18। गागड़वास का स्कोर 11। गागड़वास 11, खेड़े सोनीपत 18। दोनों काफी अच्छी, दोनों टीमें दमदार और मजबूत, अगले मैच बरासर वेसेस गणाऊ। दोनों टीम कैप्टन अपनी अपनी टीम को तैयार रखे भाई, थोड़ा सर्दी का टाइम है, वार्म अप कर ले। काफी अच्छी रेड यहां पर, देखना कितने पॉइंट, दो पॉइंट मिलेंगे गागड़वास को। इन दो पॉइंटों के साथ गागड़वास का स्कोर बढ़ता हुआ 13। रावण ब्लॉक के जाने माने टीम गागड़वास पिछड़ती हुई इस मैच में 5 पॉइंटों से। फिर से ब्लॉक सुपर रेड, मैच की पहली सुपर रेड, 3 पॉइंट मिलेंगे यहां पर केडी सोनीपत के खिलाड़ी को। आप टाइम के बाद इन 3 पॉइंटों के साथ केडी सोनीपत का स्कोर बढ़ता हुआ 21। खेड़ा सोनीपत इस मैच को लीड कर रहा है, खेड़ा सोनीपत 26। एक पॉइंट और मिलेगा गागड़वास को, गागड़वास का स्कोर बढ़ता हुआ 14। सोनीपत के कोट में रेड डालते हुए गागड़वास रेडर, काफी अच्छी रेडिंग दोनों टीमों के द्वारा है।
भी अच्छी रहे। वन पॉइंट गागड़वास सही तेजवीर नीदवाल के समर्थन में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। विजेता टीम को 21,000 रुपए और उपजेता टीम को 11,000 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। काफी अच्छी रेटिंग यहाँ पर आउट एक टाइम के बाद स्कोर गागड़वास 16 और खेड़ा सोनीपत 26। काफी अच्छी यहाँ पर और बैक किक लगाने का प्रयास किया और बहुत शानदार बैक किक। एक पॉइंट मिलेगा सोनीपत को। सोनीपत का स्कोर बढ़ता हुआ 27 और गागड़वास का स्कोर 16। 11 अंक की लीड ले रखी है सोनीपत ने। काफी फुर्ती दिखाई एक पॉइंट का गागड़वास। गागड़वास को कुछ ना कुछ करना होगा, टाइम कम बचा और सेकंड हाफ है। गागड़वास की रेंज बहुत बढ़िया रेड गागड़वास की तरफ से। गागड़वास को रेड और डिफेंस दोनों में कुछ ना कुछ करना होगा। गागड़वास के लिए अच्छा मौका है पॉइंट देने का। और एक और पॉइंट सोनीपत खेड़ी का। गागड़वास का एक नंबर का रेडर अपनी रेड करता हुआ बढ़िया रेड गागड़वास की तरफ से। बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ गागड़वास 17 और सोनीपत खेड़ी खेड़ा सोनीपत 11 पॉइंट की लीड है सोनीपत खेड़ी के पास। खेड़ा सोनीपत 28 अब टाइम पाद का स्कोर। गागड़वास की तरफ से रेड 5 मिनट शेष है इस मैच की 5 मिनट शेष। अगला मैच ब्रासर और घराव के बीच है तो अपनी टीमें तैयार रहें। बहुत बढ़िया प्रयास किए गए रेडर के द्वारा लेकिन सफल नहीं होता। एक पॉइंट और खेड़ी सोनीपत के पास खाते में जुड़ता हुआ। खेड़ी सोनीपत की रेड बढ़िया एक और पॉइंट बैक किक के द्वारा सोनीपत खेड़ी। दोनों टीमें बहुत ही शानदार टीम है मजबूत दमदार है।
खेड़ा सोनीपत 30 और गागड़ा 17। भरत गागड़वास की तरफ से ये गेम बड़ा सोच भूत के साथ खेला जा रहा है। बढ़िया रेड खेड़ी सोनीपत के द्वारा, खेड़ी सोनीपत के पास बहुत बढ़िया रेड है। बढ़िया टैकल करने का प्रयास पर सफल नहीं हो पाए। डू और डाई रेड है, डू और डाई रेड, यहाँ तो पॉइंट देके आओ या पॉइंट लेके आओ। बोनस भी ऑन है और यहाँ पे डिफेंडर ने डिफेंड कर लिया। सुपर टेकर ऑन, सुपर टेकर ऑन, 3 मिनट बाकी है इस मैच की, 3 मिनट बाकी है और सुपर टेकर ऑन है। पर एक बार फिर गागड़वास की टीम ऑल आउट होने की कगार पे अपना अंतिम खिलाड़ियों से पॉइंट लेकर अगर तो टीम रहेगी वरना पूरी टीम वापस आएगी और लेके आया है ये तो। सुपर टैकल होने क्या सुपर टैकल हो पाएगा गागड़वास की टीम का, इस मैच में एक भी सुपर टैकल नहीं हुआ है। बड़ा फुर्ती के साथ रेडर रेड करता हुआ और यहाँ पे बढ़िया ट्राई पर सफल नहीं हो पाए। एक पॉइंट और सोनीपत खेड़ी का, अंतिम खिलाड़ियों का फिर से अपनी टीम को बचा पाएंगे क्या, फिर से अपनी टीम को बचा पाएंगे और यहाँ पे ये बोनस प्लस 3 पॉइंट है गागड़वास, बोनस प्लस 2 पॉइंट गागड़वास। सुपर टैकल होने फिर से क्या सुपर टैकल हो पाएगा, गागड़वास की रेड 21-33 12 की रेड है। अगर सोनीपत खेड़ी की टीम ऑल आउट हो तो नजदीक पहुंच सकती है लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। बरासर और घनाव की टीमें तैयार है, इसके तुरंत बाद मैच होगा, इसके तुरंत बाद मैच होगा। एक पॉइंट गागड़वास के खाते में जुड़ता हुआ, स्कोर गागड़वास 22, एक मिनट बाकी इस मैच की, एक मिनट बाकी इस मैच की। बरासर और घनाव की टीमें तैयार रहे, बरासर और घनाव की टीमें तैयार रहे। यहाँ पे सिर्फ औपचारिकता बाकी है, सोनीपत की टीम लगभग इस मैच में सेफ है सोनीपत की तरफ से। और बढ़िया बैटिंग, बढ़िया बैटिंग, बहुत ही शानदार विकेट लगा हुआ है। सेफ रेड करते हुए सोनीपत का खिलाड़ी औपचारिकता ही बाकी रही है, सभी को पता है। तो मैच खत्म और यहाँ पे सोनीपत खेड़ी की टीम जीत गई है, सोनीपत खेड़ी विजेता।